मैं सीमा रावत स्वागत करती हूं आपका प्राइम टाइम पर। आओ नजर डालें देश और दुनिया की मुख्य सरगर्मियों पर। करनाल के कस्बा त्रावड़ी में नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी उम्मीदवार ज्ञान स्रोता के लिए वोट की अपील करने के लिए त्रावड़ी में एक विशाल किसान रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मुख्य अतिथि तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों को देखकर मुख्यमंत्री भी गदगद हो गए। मुख्यमंत्री ने मंच पर पहुंचकर जमकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जैसे धान और कपास के रेट गिरे हैं वह चिंता का विषय है, जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। अगर केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही किसानों के लिए ना सोचा गया तो किसानों के हक के लिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ा तो भी वह पीछे नहीं हटेंगे। मुख्यमंत्री ने त्रावड़ी अनाज मंडी का भी दौरा किया और आढ़तियों से धान के बारे में जानकारी भी हासिल की। जो जीरी 1500 जिसका 15 दिन पहले 3500 था भाव, वो 2200 रुपये बिक्री है, 2400 रुपये बिक्री है, जो मशीन से निकाली गई है, हाथ से निकाली गई है, वो 2700-2800 रुपये तक बिकी। वो तो ये बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। एक एकड़ पर किसान का कम से कम 25,000 से लेकर 30-40,000 रुपये पर एकड़ घाटा हो रहा है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है कि भाई ये जो घाट ये हो रहा है ये क्या कारण है और इसके ऊपर उचित कदम उठाया जाए जल्दी से जल्दी। और ये खाली जीरी में नहीं, हमने गेहूं का बोनस मांगा था उसमें भी वो हो गया, और कपास का भी जो भाव एकदम 1000-1200 रुपये क्विंटल एकदम गिरा है। किसान को बहुत तकलीफ है और मैंने कहा है कि भाई कदम उठाएं, उचित कदम उठाएं, नहीं तो कोई भी कड़ा स्टैंड मैं भी ले सकता हूं। मेरा तो दिल ये करता है मैं आज यहीं पर धरने पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं एक संविधान से बंधा हुआ हूं, मुख्यमंत्री हूं, मैं गैर संविधानिक काम नहीं करूंगा, लेकिन किसान के लिए संघर्ष के लिए करने के लिए भी पीछे नहीं हटूंगा, कोई भी कड़ा कदम उठा सकता हूं। मुख्यमंत्री का यह चुनावी स्टंट किसानों को कितना भाता है यह आने वाला समय ही बताएगा। इंडिया 24 के लिए करनाल से जोगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा चुनावों के चलते अंबाला शहर में आज भारतीय जनता पार्टी की जनसभा हुई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की। जनसभा में अमित शाह के साथ अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया, अनिल विज और कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान मंच से बोलते हुए अमित शाह ने भाजपा के कार्यकाल की तारीफ की और कहा भारत को बोलने वाला प्रधानमंत्री मिल गया है। सबसे पहले तो एक बोलने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिल गया है जो बोलता है, जो भारत की जनता की भावनाओं को समझता है, इसके दुख को महसूस करता है, इसके दर्द को दिल के साथ जोड़कर संवेदना से उसके मुंह से शब्दों की वाणी बाहर आती है और इसमें से कई नई योजनाएं आज बाहर आई है। एक बोलने वाला, सोचने वाला, करने वाला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने बहुत मजबूत रणनीति तैयार कर यूपी में भाजपा को जीत दिलवाई थी। ऐसी ही कोशिश अब हरियाणा में की जा रही है। कांग्रेस सरकार पर इस दौरान अमित शाह ने जमकर हमला बोला और विकास में भेदभाव के आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि आजकल अफवाह चल रही है कि चुनाव के बाद भाजपा इनेलो का गठबंधन होगा। अमित शाह ने इस अफवाह पर ब्रेक लगाते हुए कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रदेश में सिर्फ भाजपा की सरकार बनेगी। क्या आप लोगों की इच्छा है कि हरियाणा भी इस तरह से बने? इच्छा है? अगर इच्छा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर नरेंद्र भाई मोदी के हाथ मजबूत करना पड़ेगा। एक बड़ी अफवाह चलती है यहां पर कि चुनाव के बाद भाजपा और चौटाला जी साथ साथ आ जाए। मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव के बाद क्या होगा मुझे मालूम है मित्रों, चुनाव के बाद हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने जा रहा है।
हालांकि पार्टी आज अंबाला शहर में बहुत भीड़ नहीं जुटा पाई, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं है। देखना यह होगा कि अमित शाह के बोल पार्टी में कितनी जान फूंक पाते हैं और जनता में कितनी पकड़ बना पाते हैं। इंडिया 24 के लिए अंबाला से एसडी शर्मा की रिपोर्ट। नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से रिहाई होने के बाद अकाली दल पंच प्रधानी के मुखी भाई कुलवीर सिंह बड़ापिंड का स्वागत करने अकाली दल के नेता व कार्यकर्ता पहुंचे। भाई कुलवीर सिंह बड़ापिंड को जालंधर की एक विशेष अदालत के निर्देश पर रिहा किया गया। इस अवसर पर भाई कुलवीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह सिख कौम के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी भी झूठी कार्यवाही से उनका मनोबल नहीं गिरेगा, फिर चाहे उन्हें जेल की सजा ही क्यों ना काटनी पड़े। सतगुरु की कृपा सदका 2 साल 9 दिन ये पंजाब की स्टेट सरकार अते सेंटर की सिख विरुद्ध नीति का सिट है, जिहदा वजह कारण दास नूं अते भाई दलजीत सिंह हुणां नूं झूठे केस पा के टाडा वर्गे यूपीए ला के जिहड़ा कि जेल दे विच डक्या गया सी। सो अज सतगुरु की कृपा सदका वन खुलासी हो गई है। सो आपां इस गल नूं समझदे हां, जिहड़े भले कुछ राजनीतिक तौर पर चेतन है, सियासी सूझ भी रखते हैं कि एक साजिशधीन जिहड़ी पंथक हितां दी सोच पहरा देने वाली सी, पंथक हितां दी खातर पहरा देने वाली सोच सी, उहनूं जाण बुझ के पंजाब और पंजाब की हथ ठोका बनी अकाली सरकार अते सेंटर की जिहड़ी नीति है उह सोच नूं दबाउणा चाहुंदी है, खत्म करना चाहुंदी है और उहनां नूं जबर जुलम दलील दे नाल उहनां दी उस आवाज़ नूं बंद करना चाहुंदी है। तुहानूं कोई इंडिया 24 के लिए नाभा से राहुल खुराना की रिपोर्ट। हरियाणा लोकहित पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की ओर से 5 अक्टूबर को लोकहित महिला नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। सिरसा के भगत सिंह चौक में शाम 4 बजे आयोजित होने वाली इस महिला नुक्कड़ सभा में विशेष रूप से हजारों महिलाएं एकत्रित होकर हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा के लिए वोट की अपील करेंगी। सिरसा में आयोजित पत्रकार वार्ता में हरियाणा लोकहित पार्टी की कार्यालय सचिव मनीषा श्रॉफ ने कहा कि हरियाणा में पार्टी चुनाव जीतने के बाद प्रदेश का विकास करने में अग्रसर रहेगी और भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करेगी। मुझे एक बड़ी अच्छी बात पता चली है इन दिनों में कि वो लोग, मैं इसमें लिख के आई हूँ कि एक सवाल एक जवाब मैं उनसे मांग रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि मुझे 5 साल का हिसाब चाहिए। हम लोग एक अपने सिरसा के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल अनाज मंडी, वहाँ पे उन्होंने क्या उनका ना व्यापारिक हिसाब किताब वहाँ पे चल रहा है, क्या उन्होंने अभी तक चुकता किया है? मैं राहुल सेतिया जी से ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे पता चला वो अभी भी वहाँ पे डिफाल्टर हैं। वो हमसे 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि वो पहले हमें उस अनाज मंडी का हिसाब दे कि वो आज वहाँ पे उन्होंने अपना हिसाब चुकता किया है। इंडिया 24 के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। हरियाणा के डीएवी कॉलेज पिहोवा में टैलेंट शो में रेशम सिंह अनमोल ने अपनी नई एल्बम रिलीज की, जहां आज डीएवी कॉलेज में टैलेंट शो के दौरान छात्रों ने अपने जलवे बिखेरे। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध पंजाबी सिंगर रेशम सिंह अनमोल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। टैलेंट शो के बाद कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर कामदेव झा ने रेशम सिंह अनमोल की नई एल्बम एडिक्शन 172 को रिलीज किया। अपनी नई एल्बम के बारे में बताते हुए अनमोल ने कहा कि टी सीरीज द्वारा रिलीज की गई इस सीडी में कुल 8 गीत हैं। एल्बम की वीडियो सीडी भी जारी की गई है, जिसकी शूटिंग इंग्लैंड, मुंबई व पंजाब में की गई है। एल्बम का नाम हैगा एडिक्शन 172। हालांकि इसके वीडियो काफ़ी टाइम पहला टीवी से लोगों को काफ़ी प्यार मिलया। यदि सी डी हूँ टी सीरीज ने रिलीज़ की है। नशा चंडीगढ़ शहर का पिंड जाके तोड़ दी लावे तेरी लाल परांदी हाण दी जट बन्नी फिर ट्रैक्टर तो बहुत खूबसूरत गीत ने। इंग्लैंड के इन्हों का फिल्मांकन किया गया, कुछ इंडिया के चंडीगढ़ की लोकेशन से भी फिल्माए गए हैं। म्यूजिक दिता है टाइगर स्टाइल जी ने, अपना पिंड औजला जी साढ़े बहुत वधिया म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्होंने म्यूजिक किया। इस तो पहला गोरी दियाँ गोरियां बांझ कंगणा कंगणे के मित्रों का नाँ लिखा, तो जिनी तेरी कॉलेज की फीस कुड़िया नहीं नागणी नहीं आ तेरा खांदा तड़के मैं भी रखता गणासे चंड चंड के नहीं। मेरे सारे गीतों में बहुत सारा प्यार मिलया, उम्मीद करदा इस एल्बम में भी इन्ना ही प्यार मिलेगा। इंडिया 24 के लिए पिहोवा से पुनीत सांगर की रिपोर्ट। जालंधर रेलवे स्टेशन के समीप दोमोरिया पुल के पास आज दोपहर बाद उस समय दहशत फैल गई
जब तीन लोगों ने चाकुओं से वार कर एक शख्स को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और एक बाइक बरामद किया है। मृतक की पहचान ज्वेलर विनोद कुमार के रूप में हुई है, जो सीपीएस केडी भंडारी का नजदीकी बताया जाता है। इस घटना के बाद सीपीएस केडी भंडारी भी थाने में पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को तुरंत और ठोस कार्यवाही करने का। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ज्वेलर विनोद का आज जलंधर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कुछ लोगों से झगड़ा हो गया और वो उन लोगों का मोटरसाइकिल लेकर दोमोरिया पुल के पास पहुंचा ही था कि आरोपियों ने पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया, उस पर चाकू से कई वार किए। इनमें से एक वार गर्दन पर लगा और विनोद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस वारदात में शामिल आरपीएफ मुलाजिम जसमेल सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके दो साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आरपीएफ मुलाजिम के फरार साथियों की तलाश शुरू कर दी है। तफ्तीश में ये आ गया जलंधर रेलवे स्टेशन में प्लाट नंबर 1 तो उसका थोड़ी देर के पहले 3-4 लोगों का आपस में कुछ गलबात झगड़ा हो गया। उसी टाइम से ये विक्की ने उनका मोटरसाइकिल पर आ गया। इनके पीछे 3 बंदे ने इनके फॉलो करके आ गया। उसमें एक बंदा है, नाम आइडेंटिफाई किया हमने, जसमेल सिंह। ये आरपीएफ का मुलाजिम है, मेंटली अनफिट हैं। इन्होंने और इनका नाल टोनी है, एलएस राकेश कुमार और एक नाम वालम व्यक्ति हैं। ये तीनों मोटरसाइकिल आके दमरिया पुल के नेड़े विक्की का मर्डर की थी। ठीक है, इनका रंजिश के कारण अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। जो टोनी का मोटरसाइकिल कतरल करना के यूज़ किया है वो मोटरसाइकिल हमने रिकवर कर लिया। अभी हूँ तक जसमेल सिंह का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो अभी 2 बंजे बचे हुए हैं इनके पकड़ने के लिए पुलिस ने अपने अपने वगैरह वगैरह पार्टी भेज के वेरीफाई कर रहे हैं और तफ्तीश भी सारे एंगल पे चल रहे हैं। मृतक विनोद कुमार का आरपीएफ मुलाजिम से क्या संबंध था और रेलवे स्टेशन पर उनका झगड़ा क्यों हुआ, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। इंडिया 24 के लिए जलंधर से रियान ब्राड की रिपोर्ट। मोगा की पुरानी दाना मंडी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 दुकानों पर रेड की और उन दुकानों से नकली देसी घी बरामद किया। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 दुकानों में दस्तक दी और 1000 के करीब नकली घी सील कर दिया, जिसे वह जांच के लिए भेज रही है। नकली घ्यो वर्दे ने लिखा तो पर देसी शुद्ध के इस करके असं इतने रेड किया, जो गवर्नमेंट दिदायतों के अनुसार सिर विभाग की हदायत अनुसार एक जरा बहुत ही दुकान तो सू जरा नीयर अबाउट 215 लीटर या के जी कहो सू देसी घे मिले, जोड़ा कि असं सस्पैक्ट करते हैं सू शक है कि वो देसी घेड़ा नकली देसी घे आनू असी लैबोरटरी से टैसट करने वास्ते सैंपल भर लेने, जोड़ा बाकी का स्टॉक पाया उन्होंने सील कर लिया ताकि ये जरा ना मार्केट ना जाए और ये मतलब कि ना खाण जब तक यदा रिजल्ट नहीं आता। 115 लीटर टोटल, हाँ जी बहुत दे। दूजी दुकान से असी छापा मारा है उतो लगभग 715 लीटर जोड़ा देसी घी असी फड़िया आ और उन्होंने भी असी सैंपल भर के सील करके भेज देंगे। जब इस संबंध में दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि जब हमारे सैंपल फेल होंगे तब बात करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਰੋਕਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰੋਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਸਥਯ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਿਆਵਾਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਸਵਾਸਥਯ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਖੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 24 ਕੇ ਲਈ ਮੋਗਾ ਸੇ ਅਰੁਣ ਸਿੰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਲਛਮਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। उत्तर प्रदेश के संभल पुलिस ने रात को गुप्त सूचना के आधार पर पशु चोरी करके उन्हें मारने वाले गिरोह को धर पकड़ने का दावा किया। जानकारी के अनुसार यह गिरोह रात के समय अपनी गाड़ियों में निकल गांव में जाकर पशुओं को पकड़कर मार देता था। पकड़ने से पहले पशु शोर न करें उसके लिए वह बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाते थे। इन पशु चोरों से पुलिस काफी परेशान थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इन लोगों को पकड़कर हिरासत में डाल दिया है।
इन लोगों से पुलिस को 5 किलो डोडा चूर्ण, 2 तेज धार हथियार, 1 कुल्हाड़ी और 1 स्विफ्ट गाड़ी बरामद हुई है। ये हयात नगर और पागवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये सूचना लगातार मिल रही थी कि लग्जरी गाड़ियों से कुछ लोग पशुओं की चोरी करते हैं और उनको नशीला इंजेक्शन दे करके वहीं काट देते हैं और काटने के बाद उसी गाड़ी से उनका मीट ले जा करके सप्लाई करते हैं। जिस सूचना पर रात में घेराबंदी की गई तो जनता के सहयोग से नगलिया बल्लू के तिराहे पर 2:30 बजे रात पुलिस बल द्वारा घेराबंदी कर 3 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। 2 व्यक्ति भाग गए जिनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। इनके पास से छुरा बरामद हुआ है, जानवर काटने का कुल्हाड़ा बरामद हुआ है। इसके अलावा इनकी गाड़ी से तलाशी लेने पर 4 किलो से अधिक डोडा चूर्ण बरामद हुआ है। इंडिया 24 के लिए संभल से मोहम्मद सदाम हुसैन की रिपोर्ट। जैसे जैसे हरियाणा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे ही राज्य में राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। हरियाणा के पिहोवा में हजका को एक और झटका लगा जब हजका को प्रदेश सचिव मदन लाल दुआ ने अलविदा कह दिया। दुआ ने टिकट ना मिलने पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने मेहनती तथा जुझारू कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को दरकिनार कर दिया है और चुनाव में उनकी जगह अवसरवादी लोगों को टिकट देकर उनके अहम को ठेस पहुंचाई है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके हजका सुप्रीमो ने उनका अपमान किया है, इसलिए उन्होंने अपने साथियों सहित हजका को त्यागने का फैसला किया और आगामी 2 अक्टूबर को हजका छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाकर आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा। कि पार्टी में वर्कर का मान सम्मान ना होना, मैंने 40 साल इस परिवार की और इस पार्टी की सेवा की है और आपके सामने मुझे कह दिया इन्होंने। अब तो ये चाहते हैं कि वर्कर का मान सम्मान हो, हल्के की जनता का मान सम्मान हो, हल्के की जनता की भावना को ठेस ना पहुंचे, वर्कर के मान सम्मान में ठेस ना पहुंचे, हम इस वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं कि इनके इनके पार्टी में इनके सुप्रीमो में ये बात बिल्कुल नहीं है कि वर्कर क्या चीज़ होता है, वर्कर की रिस्पेक्ट क्या होती है। अगली रणनीति क्या रहेगी जी? अगली रणनीति हमारी 2 तारीख को 9 बजे मीटिंग कर रहे हैं हम, जिसमें हजारों वर्कर हमारे इकट्ठे होंगे, उसमें जो वर्कर फैसला लेंगे उस फैसले के मुताबिक मैं चलूँ। इंडिया 24 के लिए पिहोवा से पुनीत सांगर की रिपोर्ट। देश और विदेश की सरगर्मियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया 24 लेके आ रहा है धार्मिक प्रोग्राम गावो साची वाणी। यो हनी सिंह पर। भारतीय किसान यूनियन ने हरियाणा के पिपली मंडी में महापंचायत कर किसानों की समस्या को उठाया। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि पिछले साल जो बारीक धान 4500 रुपए बिका था वही धान इस बार मात्र 2200 से 2700 रुपए में बिक रहा है। इस भारी अंतर को किसान सहन नहीं कर पा रहे जिसके चलते उन्होंने मार्केट कमेटी के ऑफिस पर धरना दे डाला। मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यूनियन से बातचीत करनी शुरू की, लेकिन अभी तक बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। उधर किसानों ने अपना आंदोलन तेज करते हुए कहा कि अगर
उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह सड़कों पर उतर आएंगे। आज हमारी मांग ये है, क्योंकि व्यापारियों ने पुल कर लिया है और उस पुल को तोड़ने के लिए हरियाणा के अंदर एक हैफेड एजेंसी है और पंजाब के अंदर मार्कफेड एजेंसी है, तो हम आज ये मांग कर रहे हैं कि हैफेड एजेंसी की खरीद मंडी में आनी चाहिए, जो व्यापारी के कंपटीशन में बासमती वैरायटी की धान का बोली दे सकती है, उसके मुकाबले में खरीद सकती है, व्यापारियों का पुल टूट सकता है, और अगर व्यापारियों का पुल टूटे तो हमारी धान पिछले साल वाले रेट में बिक सकती है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट के अंदर चावल का वही रेट है, वर्ल्ड मार्केट के अंदर चावल का रेट डाउन नहीं आया है। हमने 3 बजे तक का टाइम दिया है, अगर हमारी बात ना मानी गई तो हमारे पास सड़क के ऊपर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आज जो बातचीत है वो अधिकारियों ने ज़्यादा लेट शुरू की है, हमने 11:15 बजे बातचीत के लिए जो आमंत्रित कर लिया था उनको, लेकिन उन्होंने टकाते टकाते 2 बजा दिए हैं, और जो बातचीत अब हुई है वो यहाँ आके बात टूट गई है कि वो सरकार से, वो चीफ सेक्रेटरी से बात कर लें और वो MD हैफेड से बात कर लें, अगर हमारी बात को सिरे नहीं चढ़ती है तो हमारी मजबूरी है कि हमें सड़क पर जाना पड़ेगा, चाहिए जेल ले जाएँ चाहिए कुछ और करें। इंडिया 24 के लिए लाडवा से सतिंदर चौधरी की रिपोर्ट। हरियाणा में नामांकन भरने के बाद अब सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सिरसा से इनेलो प्रत्याशी मक्खनलाल सिंगला का जनसंपर्क अभियान जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज सिरसा की DC कॉलोनी में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जहाँ उन्हें लड्डुओं से तोला गया। इस मौके मक्खनलाल सिंगला ने अपने संबोधन में कहा कि मैं शहरवासियों के हर दुख सुख में साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि जो मान सम्मान लोगों ने दिया है उसका मैं आभारी रहूंगा। 2002 में जो चौटाला साहब ने काम कराए थे, उसके बाद 10 सालों में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, और जनता का पूरा हमें बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, पूरे जोर शोर से मिल रहा है, किसी प्रकार की कमी नहीं रही। जो 10 सालों में काम नहीं हुए हम सबको पूरा कराएंगे, और सीवर प्रणाली जैसे पूरी ठप पड़ी है उसको ऐसे सुचारू रूप से बनाएंगे भी एक भी पानी कभी सीवर बंद ना हो, और पूरे शहर में रिंग रोड भी बनाएंगे, जो सफाई का है कमी है उसको भी दूर कराएंगे, शहर को पूरा सुंदर बनाएंगे। लोग तो पैरस कहते थे भी पैरस बनाएंगे, पैरस अगर नहीं बना सके गुड़गावा जरूर बना देंगे। इनेलो प्रत्याशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2002 के बाद चौटाला सरकार के जाने के बाद पिछले 10 वर्षों में कोई विकास का काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा वह शहर की सीवर व्यवस्था दुरुस्त करने व रिंग रोड के निर्माण के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इंडिया 24 के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। पंजाब के बठिंडा बस स्टैंड पर एक अपाहिज व्यक्ति की बस के टायर के नीचे कुचले जाने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बस चालक की लापरवाही के कारण यह घटना घटी। बस स्टैंड पर मृतक अपाहिज व्यक्ति, जिसका नाम गुरलाल सिंह था, किसी काम को लेकर आया था कि PRTC की बस के नीचे आ जाने से कुचला गया। इस बारे में जांच अधिकारी ने बताया कि यह व्यक्ति बस के पिछले टायर के नीचे आया है, जिस कारण इसकी मौके पर मौत हो गई। इस संबंध में उन्होंने ड्राइवर और बस की पहचान कर ली है और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। जल्द ही आरोपी उनकी गिरफ्त में होगा। ये गुरलाल सिंह सीगा, पुत्र अंग्रेज सिंह, परसराम नगर बठिंडा का, बस नंबर सी ये PB11U8174। मलूक सिंह ड्राइवर चलाया से इनू, ये थले आ गया मगरले थले टायर थले आके मौके पर मौत हो गई। वारसा बुलाया, इन्होंने वारसा बुला के अभी कार्रवाई करते हैं। हैंडीकैप्ट सी ये 90% SMO को जारी हुआ है, ये हैंडीकैप्ट सर्टिफिकेट सू मिले। ये नहीं कह सकते भीख मंगता से कि नहीं, हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट जेब चु मिले, मौके पर ही मौत हो गई, सिर फिस गया, मगले टायर थले आ गया, जिसकी वारसा बना के। बस चालक की गलती से एक और व्यक्ति की जान चली गई, इसलिए अगर बस चालक बस ध्यान से चलाता तो यह घटना ना घटती। इंडिया 24 के लिए बठिंडा से कुणाल बांसल की रिपोर्ट। पानीपत ग्रामीण विधानसभा से 5 गांव की पंचायत द्वारा चुने गए पंचायती उम्मीदवार संजय कादियान ने आज गांव सिवा और गड़ी में जनसभा की, जिसमें उन्हें भारी जनसमर्थन मिला। जनता का इतना जनसमर्थन देख संजय कादियान भी काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर जनता ने उन्हें हरियाणा की विधानसभा पहुंचाया तो वह हलके की सभी समस्याओं को खत्म कर देंगे।
संजय कादियान ने बताया कि हलके में जितनी भी कॉलोनियां हैं उनकी हालत आज के समय में नरक से भी बुरी है। अगर जनता ने उन्हें विधायक बनाया तो वह इन सभी मूलभूत समस्याओं को दूर कर ही दम लेंगे। के अंदर पिछले 10 सालों में जो हमारे गांव है पंचायत ग्रामीण के अंदर, इनमें नौकरियों की हिस्सेदारी बिल्कुल 0% रही और जितनी 65 कॉलोनियाँ हैं उनमें नरक के समान जीवन है। मकान जितने हैं कोई 10 फुट गहराई में चला गया, कोई 15 फुट, 10-5 फुट का है। जितना भी उनका डेली का यूज का पानी है वो सारा उनको खुद अपने आँखों से बाहर निकालना पड़ता है। ना निकासी है, ना पानी है, ना कोई सीवरेज की व्यवस्था है, ना मतलब उनके पास सुविधा की कोई सुविधा नहीं है। यानी कि जैसे कि राशन कार्ड की हम बात, राशन को उसकी बात करें भी होगी, पूरा राशन आज तक 10 साल में 10 बार भी राशन ना कॉलोनियों में मिला है, ना गाँव के अंदर मिला है। इसी प्रकार से जो सही में गरीब आदमी है ना, उनके BPL कार्ड बने हैं और जिसको सही मायने में मकान के लिए 90,000 का जो पैसा जो बगैर वापस नहीं देना पड़ता ना, वो मिला है। इंडिया 24 के लिए पानीपत से कुलवंत शर्मा की रिपोर्ट। विश्व हार्ट दिवस 29 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पंजाब के जलंधर में सिविल अस्पताल में भी विश्व हार्ट दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देहात में सभी मेडिकल अधिकारियों को बुलाया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए जलंधर के सिविल सर्जन ने बताया कि इस दिन को वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर मनाया जाता है, इसलिए जलंधर के सिविल अस्पताल में भी विश्व हृदय दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें देहात इलाके के सभी डॉक्टरों को बुलाकर हार्ट रोग के बारे में जानकारी दी, जिससे वह अपने इलाके में दिल के मरीजों को जागरूक कर सकें ताकि वह इस रोग से बच सकें। अज असी अपने सारे डॉक्टर जेरे जो फील्ड में काम कर रहे हैं RMO जो रूरल मैडिकल ऑफिसर उन्होंने बुलाया होया है, ताकि वो जो भी अज असी उन्होंने इनफॉरमेशन देंगे हार्ट की अवेयरनैस बारे, वो अगे जाके पिंड अपने जोड़े पेंडू भरा है उन्होंने भी जाके उन्होंने जागृत करन, ताकि वो भी इस बीमारी तो अपने आप को बचा सकें। इंडिया 24 के लिए जलंधर से रियान ब्राड की रिपोर्ट। देश और विदेश की नई सरगर्मियों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया 24।